नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम के नहारपुर रूपा इलाके में 28 साल की युवती पर लिव इन पार्टनर ने पेचकस से जानलेवा हमला किया है। ये घटना गुरुवार शाम 4 बजे की है। युवती अपने घर में थी, तभी यूपी का रहने वाला शिवम उसके घर पहुँच गया। वो युवती पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। युवती ने विरोध किया तो युवक ने उसके गले और चेहरे पर पेचकस से ताबड़तोड़ हमला कर दिया है। एसीपी क्राइम वरुण दैया ने कहा कि आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि शिवम और युवती 1 साल से लिव इन में रह रहे थे। दोनों यूपी के रहने वाले हैं। शिवम युवती को शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करता था। पुलिस का कहना है कि पीड़िता को जब पता चला कि शिवम ने केवल पहले से शादीशुदा है बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं, इसके बाद से उसने आरोपी से दूरी बना ली थी। वो नहारपुर इलाके में किराए के कमरे में रहने लगी थी। ये बात आरोपी को नागवार गुजरी। इसके बाद वो गुरुवार शाम 4 बजे नहारपुर इलाके में युवती के यहाँ पहुँचा और फिजिकल रिलेशन बनाने का दबाव बनाने लगा। पीड़ित युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़िता को गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं दोस्तों, एसीपी क्राइम का कहना है कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 323, 324, 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। तो बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है हरियाणा से। आप सभी अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, अपनी राय कमेंट में लिखें।